Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? मेरे बैकग्राउंड में कुछ अपग्रेडेशन दिख रहा है. मैं लाई हूँ ये पत्तियाँ. और गेस व्हाट, मैंने अमेजोन पे पत्तियाँ देखी थी 200 समथिंग या कि दो, लेकिन मैं लाई हूँ इसको मेले से. और मेले वाले भैया ने बोला कि 150 की दो दूंगा. तो 150 की दो तो 12 के कितने हो गए? 15 10 150 15 6 150 into 6 6 हुआ ना, क्योंकि दो आ रही है तो 12. हाँ 6 तो 15 6 15 5 16 72. तो 720 बोला था वो. मैंने बोला भैया 550 दूंगी. और तुम मानोगे नहीं, 700 के 550 में 12 लेके आई हूँ मैं. नहीं तो ऐसे तो मुझे 1200 में पड़ जाती है अमेजोन से. 700 रुपये का फायदा. चलो और बहुत हो गई बातें, अब हम वीडियो में चलते हैं. तो आज बेसिकली अभी क्या, बहुत ठंड है. आप मेरे कपड़ों से देख सकते हो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है. मेरे को नहीं लग रही, रुक ना वीडियो बना रही हूँ. बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और ठंड की वजह से अभी ना इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चल रहा है, आई एम कोल्ड मेकअप ट्यूटोरियल ट्रेंड वॉट एवर. उसमें क्या होती है कि लड़कियां बड़ी क्यूट क्यूट सी लाल लाल मुंह करके. अब क्या होता है, ये कोई ट्रेंड व्रेंड नहीं है, मेकअप वेकअप नहीं है. अब होता क्या है कि वो जो फॉरेनर लड़कियां रहती है ना, अंग्रेज वाली, वो तो क्या ऑलरेडी गोरी होती है. अब वो बाहर जाती है तो ऑलरेडी ऐसी नाक लाल गाल लाल हो ही जाती है उनकी. क्यों क्यों हो जाती है ना. तो अब हमारी तो होगी नहीं, क्योंकि हम तो थोड़े से क्या इंडियन टाइप है ना. मेरा भारत महान, लेकिन हम थोड़े इंडियन टाइप है ना, तो हमारी तो होगी नहीं ऐसी. तो हमें उनके जैसा आर्टिफिशियली दिखना पड़ेगा. पता नहीं क्यों दिखना है, पर लोग दिख रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, तो मुझे भी दिखना पड़ेगा. तो मैं वही लुक क्रिएट करने वाली हूँ. तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो मेकअप स्टार्ट करने से सबसे पहले मेरा बेस कंप्लीट कर लेते हैं. बेस के लिए सबसे पहले मैं वाटर क्रीम यूज करती हूँ, तो वो मैं करूंगी. ओके एक्टिवेट कर लो. एक्टिवेट कर लो. ओके गाइस, हम फटाफट से एक्टिवेट कर लेते हैं. ओके अब थोड़ी से ग्लो के लिए ले, ये भरता चाहिए इस डिब्बे में. जा बैठा है पास में, तो काम करो कुछ. ओके साइड्स, ओके साइड्स क्या. ओके गाइस, तो अब क्या करना है कि हमने इसको अच्छे से लगा लिया है. सो नेक्स्ट थिंग इज, हमको थोड़ा सा शिमर करना है चेहरा, हल्का सा. तो बिल्कुल थोड़ा सा हम लेंगे स्ट्रोक क्रीम. ओके जिससे हमें हल्की सी शाइन मिल जाती है. मैं भी तो आज शिमर कर रहा हूँ. अरे तो भी करेगी मम्मी तो. नमो परेशान मत कर. गाइस कितनी रौनक आ गई. गाइस लव ये बहुत अच्छा लगता है स्ट्रोक क्रीम. नमो अब तो बाबा परेशान मत कर, ऑडियंस डिस्टर्ब होती है. गाइस ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज हम कंसील कर लेते हैं हमारे डार्क सर्कल्स. बहुत लाइट सा प्रोडक्ट यूज करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नेचुरल लुकिंग ग्लो है बिकॉज ये. तो बहुत ज्यादा हम यूज ना करें. ओके गाइस आप समझते होंगे कि इसके बाद इतना मेकअप कैसा आता है, क्योंकि हमारी मेकअप की दुकान शोभा के श्री रोड. चुप रहे पागल, यू मत बोला कर पीछे से. गाइस सो द नेक्स्ट इज टिंट. अब मेरे पास ना बेसिकली टिंट है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी इसमें से लिपस्टिक ले लूं अपने हाथों.
ये ट्रे थी मेरे पास, इसमें मैंने लिपस्टिक ली और इसके अंदर मैं एंड इसके अंदर मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रोक क्रीम मिक्स कर लेते जिससे हाइलाइटर वाला काम भी हो जाएगा हमारा, कलरफुल सा कुछ शायद बन जाए। तो मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा सा बना है, लेट्स सी इसको लगा के देखते क्या होता है। ये ज्यादा हो गया है क्या? क्यों ना हम इसी को आइस पे भी लगा लें। जैसे बहुत क्यूट क्यूट सा लग रहा है ये। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग पाउडर से सेट कर, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें हमने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन कंसीलर वैसे भी नेचुरल रखने की कोशिश। ओके गाइस फॉर द लिप्स आई एम थिंकिंग एक ग्लॉस और एक ऐसे ऐसे लिप बाम टाइप कलर लेते और इसको थोड़ा सा इसमें करके। गाइस सो नेक्स्ट थिंग इज हम सबसे मैंडेटरी स्टेप करेंगे, दैट इज मस्कारा। सो लेट्स यूज इट। और मेरा फेवरेट भी हमेशा बोलती हूँ। आई होप गाइज अच्छा लग रहा होगा। अब एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है जो मैंने ना हर आई एम कोल्ड गर्ल मेकअप ट्यूटोरियल टाइप की मतलब जो भी फोटोज है ना उसमें देखे, तो वो है बताती इसे कोई सा वैसे ग्लिटर सा लेके पट इट हियर। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना पिंक पिंक लेकर आइज पे भी लगा लेते हैं। मेरी आइज भी थोड़ी सी ऐसी लग रही है। क्यों प्यारा लग रहा है। ओके गाइस सो दैट इज माय फाइनल लुक। आई थिंक ये बहुत 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 ज्यादा क्यूट लग रहा है और बताओ आपको कैसे लग रहा है। और विंटर्स के लिए परफेक्ट से क्यूट सा आपको नेचुरल लुक अगर पसंद हो तो देखो मेरा हाथ कितना बड़ा हो गया। और अगर आपको लुक पसंद आया है सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं उसमें वीडियोज बनाऊंगी इस लुक के साथ भी एक दो बना दूंगी अगर हुआ तो। और ठीक है बताओ कैसे लगा लुक। Bye. Then I'm going to know.